अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बना रही हूँ कचौड़ी और आलू की तरकारी। ये कचौड़ियाँ बनेंगी गर्मा गर्म, बहुत मज़े की। आप ये नाश्ते पे बना सकते हैं, शाम की चाय पे बना सकते हैं। सबसे पहले हम कचौड़ी बनाने के लिए उसकी जो फिलिंग है वो रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 2 टेबलस्पून लेनी है मूंग की दाल और 2 टेबलस्पून लेनी है हमने मसूर की दाल। इन दोनों दालों को, जो ऑरेंज और येलो दाल होती है, इनको हम अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे 2-3 दफ़ा, और उसके बाद आपने इसे एक सॉस पैन में डाल देना है। और साथ ही जो दाल का पानी होगा वो भी डाल देंगे, या 1 गिलास पानी आप ऐड कर दें। वह इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून आपने हल्दी डाल के पकने के लिए रख देना है मीडियम लो फ्लेम पे, कि दाल जो है वो अच्छे से गल जाए। चलिए जब कचौड़ी बनाने के लिए इसकी डो तैयार करते हैं। डो बनाने के लिए आपने 2 कप और आधा कप यानी 2.5 कप आपने मैदा लेना है, ये मेजरमेंट्स हैं। इसके बाद आपने उसमें डालना है 1 टीस्पून सॉल्ट यानी नमक, सूजी 1 टेबलस्पून और डालडा घी डालना है आपने 3 टेबलस्पून। ये तीनों चीज़ें डाल के आपने चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें, सूजी नमक और जो है मैदा है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो उसके बाद आपने उसमें पानी शामिल कर देना है। पानी आपने आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करना है। एक दफ़ा आपने मैदा इकट्ठा कर लेना है। जब हमारा मैदा सारा सिमट जाए तो उसके बाद आपने उसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने गूंद लेना है। जैसे हम आटा गूंदते हैं उसी तरह आपने सॉफ्ट सा आटा गूंद लेना है, बहुत नरम नहीं गूंदना और ना ही बहुत सा। ये हमारी डो रेडी हो गई है। इसे आपने गीले कपड़े के साथ आपने ढक के थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देना है। आलू की तरकारी बनाने के लिए आपको 1/2 kg यानी कि आधा किलो आलू चाहिए। मेरे पास थोड़े से बड़े थे तो मैंने इन्हें कट करके और पानी डाल के इन्हें उबलने के लिए रख दिया। इस दौरान जो हमारी दाल थी वो अच्छे से, देखिए बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। इसे आप चम्मच के साथ इसे मिक्स कर लें। इसके बाद अगर उसमें थोड़ा सा भी पानी हो तो उसे ड्राई कर लें, क्योंकि हमें इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं चाहिए। बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आप इसे एक बाउल में निकाल के ठंडा कर लीजिए। हमारी दाल रेडी हो चुकी है। अब बनाते हैं हम आलू की तरकारी। आलू की तरकारी बनाने के लिए जो हमने आलू बॉयल करने के लिए रखे थे उन्हें आप छील लें और उसके बाद इन्हें छोटे छोटे क्यूब्स में काट लें। आलू को छोटे छोटे क्यूब्स में काटने के बाद आपने एक कढ़ाई में ऑयल लेना है 4 टेबलस्पून और उसमें रायदाना डालना है 1 टीस्पून। उसके बाद इसमें डालेंगे जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, कलवंजी 1 टीस्पून और उसके बाद इसमें कटे हुए आलू डाल देंगे और उसे 1-2 मिनट के लिए चलाएँगे ताकि कलवंजी की और रायदाना जो अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाए। उसके बाद इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, नमक अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग डाल दें, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून। ये सब मसाले डाल के आपने अच्छे से आलू के साथ इन्हें थोड़ा सा इनको फ्राई कर लेना है। बहुत ही मज़े की आलू की तरकारी बनती है। 2-3 मिनट मिक्स करने के बाद इसमें 2 कप के करीब आप पानी डाल लें और इसे आप पकने के लिए रख दें, यानी कि नॉर्मल आंच पे आपने इसे पकने के लिए रख देना है। जब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो आपने इसका क्या करना है, इसको आलू को मैश कर लेना है। कोई मैशर लेके या चमचे के साथ ही आपने दबा दबा के जो बड़े बड़े आलू हैं इनको मैश कर लेना है। मैश करने के बाद ये देखें हमारी जो ग्रेवी है वो काफ़ी थिक हो जाएगी। उसमें आप 1/2 कप पानी डाल के इस फॉर्म में इसे ले आएँ। देखें ये ना ही ज़्यादा बहुत रनी सी है, वाटरी वाटरी सी है, ना ही बहुत ज़्यादा कोई थिक बनी है। ये देखें इसके बाद इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून आप अचार, आम का अचार या गाजर का अचार कोई भी हो, और इसके बाद आप इसे डिश में निकाल लें। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म हमारी जो आलू की तरकारी है, आलू का सालन रेडी हो चुका है और इसका आप इंजॉय करें गर्मा गर्म कचौड़ियों के साथ। लेकिन इसके लिए आपको कचौड़ी बनानी पड़ेगी। कचौड़ी बनाने के लिए आपने लेना है थोड़ा सा मैदा लेना है और उसमें आपने 1 टीस्पून के करीब जो पीसी हमारी दाल है वो डाल के इसे अच्छे से आपने इसे रैप कर लेना है। उसके बाद इसका राउंड सा एक गोला बना लेना है, इनके पेड़ा बना लें छोटे छोटे से। ये देखें जी, आपने दाल लेके उसे अच्छे से रैप कर देना है ताकि कहीं से भी दाल बाहर ना निकले, और छोटे छोटे से आपने पेड़े बना के सारे रख लेने हैं एक ही दफ़ा में। और उसके बाद आपने, अब आपने स्लैब पे या किसी काउंटर पे थोड़ा सा ऑयल लगाना है। पहले उसको उंगलियों की मदद से आपने फैला लेना है किनारों से। अगर आप जो रोलिंग पिन होता है उसकी मदद से करेंगे तो ये दाल है ना फौरन किनारों पे आ जाएगी और ये जो कचौड़ियाँ ही फट जाएंगी। आप हाथों की मदद से ही करें, बहुत अच्छी बन जाती हैं और फटाफट बन जाती हैं। 4-5 आप पहले बना के रख लें और आपने ऑयल गर्म करने के लिए रख देना है। फुल हमारा तेज़ गर्म ऑयल होगा तो उसके अंदर आपने कचौड़ियाँ डालनी हैं। ये आहिस्ता से खुद ही ऊपर आ जाएंगी और फूलना शुरू हो जाएंगी, या फिर आप हल्का हल्का चम्मच से इन्हें प्रेस करें। ये देखें बहुत अच्छी कचौड़ियाँ रेडी हो जाएंगी। अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी फूलें तो कोई मसला नहीं है। ये देखें
बहुत ही मज़ेकी लगती हैं। जब इनके ऊपर लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए तो आपने इन्हें निकाल लेना है ट्रे में किसी पेपर के ऊपर, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाए। गर्मा गर्म खस्ता कचौरियाँ रेडी हुई हैं, लास्ट में आप लोगों ने ट्राई करनी है। ये देखिए जी क्या खूबसूरत सी कचौरी बनी है, लाजमी ट्राई करनी है और बहुत ही मज़े की बनती है, लाजवाब। घर बैठे आप इंजॉय करें दाल की कचौरी और आलू की तरकारी, वाह वाह मज़ा आ जाएगा, घर वालों को भी आपको भी। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।